अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आज मैंने दोबारा ट्राई की कि मैं अपने हस्बैंड से अपना आई मेकअप चेक करवाऊं, मे भी उनको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट नज़र आई हो। लेकिन आज फिर मेरी बहुत लंबी चौड़ी बहस के बाद फाइनली उनके मुंह से मैंने मानी माशाल्लाह का लफ्ज़ देखे ना इधर निकलवा लिया। प्लीज। नहीं, इसमें समझ नहीं आ रही आज क्या? देखें आपको मेरा मेकअप वीडियो को समझ में आ रहा है या नहीं। ओहो, समझ में आने वाली को बात हो तो समझ में आएगा। इधर मेरी तरफ देखे ये ना, कोई मैथ का क्वेश्चन है? समझ में है। वो आप ऐसे ही कहते हैं ना, पहले जैसी लग रही हो सेम, तो आज जरा गौर से देखें कोई समझ में आ रही है आज आपको मेरा मेकअप। आज मैंने ब्राइडल लुक किया। ब्राइडल लुक क्या होती है? या खुदाया, किसके साथ शादी हुई थी आपकी? वो तो मुझे याद ही नहीं है। सीरियस गौर से देखे, ब्राइडल मेकअप किया मैंने। मान गौर से देखे, मैंने आज ब्राइडल मेकअप लुक क्रिएट किया है। यानी मैं क्या समझ के देखूं क्या? यानी कि अच्छा हुआ है, फाइन हुआ है, लाइनर लैशेस अच्छी लग रही हैं, बस ये अच्छा ठीक लग ही रहा है। है यार। ठीक है मान, आप मुझे देखो जानी, मान मुझे देखो यार, मुझे कोई देखता ही नहीं। मैं इतना मुश्किल से इतनी मेहनत मेकअप करती हूँ, कोई मुझे देखता ही नहीं। देख देख के तो थक गए तुम्हें हम। यार इधर देखे ना, अब बताइए ना उस अच्छा, जो दिन। सुनना है वो बता दो, मैं कह देता हूँ। यार ये बात नहीं, मैं झूठी तारीफ तारीफ ना करें, अस्तगफिरुल्लाह। बस दादी सही हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बस अच्छा ही हुआ। उधर कहाँ देख रहे, मेरी तरफ देखा। अच्छा, तुम्हारी तरफ। हाँ, ठीक हुआ। मान गौर से देखे, मैंने आई शेडो लगाया है, ये नीचे लाइनर और लगाया हाँ, है, मैं गौर से देख लैशेस रहा हूँ। लगाई। अच्छा बताए, आमतौर पर मेरी आंखें ऐसी हैं, बताए। आंखें ऐसी ही हैं, और आंखें क्या होती हैं? आंखों में मारो क्या है? मारो, सारे मुझे मारो मारो। मान मान आप बताओ प्लीज, मेरा छोटू सो हो गया, नहीं तो वो बताता कलर वाली आइज लग रही। पर बताना बताना, बोल दे आज यार, तू भी नहीं बोल रहा। कैसे लग रहा मेकअप? ऊंची आवाज से बोल, मुझे सही वाला बोलो। उसको हमने शॉर्मा खाने की पड़ी, चल जाओ प्लेट लेकर आओ वहां से। जाता मैंने, ये दूसरे दिन हो गया मेरे इंसल्ट कर रहे हैं, मतलब कोई इंसल्ट वाली बात ही नहीं इसमें। तुम मुझे पूछे कैसा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ? ये नहीं, जो तुमने सुनना है वो बता दो, मैं क्या देता हूँ। नहीं ऐसा नहीं लग सुनने की बात नहीं है, थोड़ा पीछे डिलाइट दे रही जा। या खुदा, मैंने मेरी बात सुने, इतने एक साल से ज्यादा हो गया मैं आपके, मैं मेकअप करती रहती हूँ, आप गौर गौर से देखते ही गौर से नहीं देखते, देखो थोड़ा अंदाजा हो जाता है यार। आम आंखें और होती हैं, ये थोड़ा थप्पा लेपा पुती की। इससे अच्छी आंखें तो मेरी हैं। इंटरनेशनल बिस्ती मान अच्छे की बात नहीं यार, मेकअप स्किल्स कोई चीज होती है, मेकअप नाम की भी कोई चीज होती है जो पाई जाती है लड़कियों में। लड़कियों में पाई जाती है ना, लड़कों में? लाए आपकी आंखों पर भी कर दूं। माना है, मैंने मान ली आपकी आईज पहले से ही प्यारी हैं, मैं मानती हूँ। लेकिन दो दो घंटे मेहनत हम करते हैं, आंखों पे मेहनत करते हैं, आईज मेकअप पे आपको फर्क ही नहीं नजर आता। आप अच्छे बंदे हैं यार, अजीब ड्रामा है आपका, एक लफ्ज नहीं आपको सही बोला था। अच्छी हुई है माशाल्लाह। नहीं रहने दें, इतने लंबे तकरीर के बाद माशाल्लाह अच्छी हुई है। पता नहीं क्या से आपको यार, इस बंदे को ना समझ में नहीं आती मेकअप क्या चीज है। बान आज आपने भी सही तरह से नहीं बताया, मैंने इतना अच्छा मेकअप किया, आपने भी दरअसल मेरा दिल नहीं रखा है ना। रखो, अल्लाह हाफिज। मक्की चले, अब बताए ना किसकी आईज सोनी, आप बताए ना, अब आपको कुछ समझ में आ रहा है मेकअप के? नहीं देखो, तुम्हारी मेकअप के साथ और मेरी बगैर मेकअप के बाल तो पीछे करे, एक तो ये स्यापा बाल दिखाने आए आप यहाँ पे। लाइन थोड़ी सी ब्राउज फिल कर दो, एक मिनट दिखाए तो माँ ना हिले, उधर देखे हम यार, आपकी ब्राउज फिल होने वाली है उधर देखे ऐसे नहीं, उसमें देखे सही तरह जहर लगते हैं मुझे इनके बाल, जहर से भी ज्यादा बुरे। ये बंदा कटवाता नहीं, पोनियां करवाएंगे मेरे से। अच्छा चले, हम बताए आपको मेरा मेकअप थोड़ा सा समझ में आ रहा है? मुझे तुम पूरी यार उधर देखा है। गाइस, किसके आंखें नजर पे आ रही हैं? मेरी है ना, मैंने मेकअप किया नहीं, मैंने सेहरा ने कुछ भी नहीं किया। गाइस मान यार, आप खुद ही बताए ना, आपने कहा था मैं बताऊंगी बाद में सर। इस तरह के एंग्री लुक्स, एंग्री बर्ड नहीं बनना। गाइस आपने बताना है क्या आंखें किसकी प्यारी हैं और बाल किसके प्यारे हैं। यार यहाँ पे बालों का कंपटीशन नहीं हो रहा। चलो आज चले, बस ज्यादा ना शोहे बने, इतने पैसों में इतना ही होता। उठे, ओके, लाफिज। लाइक, कमेंट, शेयर। अभी कहा और मेरे बारे में जरूर बताइएगा।
हाँ जी जनाब, तो वो मेरा वीडियो क्लिप ख़त्म हो गया है। आप और कुछ बताएं ना बताएं उनके बारे में, ज़रा ज़रूर बताइएगा कैसे के बाल लग रहे थे। जो कि मेरा इतना दिल करता है कि किसी टाइम ये सोएं और मैं पकड़ के कैंची से एक दफ़ा काट दूँ, एक लिट्टी भला काट दूँ, तो फिर इनको सारे ही कटवाने पड़ेंगे। तो ये बंदा अपने बाल नहीं कटवाते। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, हम लोगों को कहीं पर जाना था तो दोनों बच्चों को मैं घर में छोड़ गई, क्योंकि वो बिल्कुल भी सुबह के उठ के तैयार नहीं हुए थे और उन्होंने अभी सही से नाश्ता भी नहीं किया था। तो मैंने कहा चलो तुम दोनों घर बैठो। तो छोटू थोड़ा सा मुश्किल से राज़ी हुआ, लेकिन चलो बैठ गया। और पाकिस्तान में क्या, लाहौर में, सॉरी पाकिस्तान का मैं क्या बताऊँगी, लाहौर में मौसम आजकल बहुत चेंज हो रहा है और मौसम में बाहर की आमद आमद है और बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। तो फिर वापसी में मुझे, अच्छा गर्मी, धूप की वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, या शायद वो मुझे ज़्यादा लगती है, तो मेरी कंडीशन की वजह से। तो मुझे रास्ते में एक गोला घंटे वाला नज़र आया, मेरे मान को कहा यार इधर ही, अच्छा ये मुझे जाते वक्त नज़र आया था, तो मानी ने जल्दी से गाड़ी गुजार दी और लेके नहीं दिया। फिर वापसी में मैंने कहा भैया मैं तो इसको लिए बगैर घर नहीं जाऊँगी, मेरे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और मेरा इतना ज़्यादा दिल कर रहा था देख कर इसको खाने को, क्योंकि इसकी बर्फ़ जो है काफ़ी लो क्वालिटी की होती है, इससे गला वैसे जल्दी अभी ख़राब हो जाएगा क्योंकि अभी मौसम चेंज हुआ है। लेकिन वो देखने में इतने मज़े का था, इतने मज़े का, मैंने कहा भला जो मर्ज़ी हो मुझे खाना ही खाना है। और ये भी एक हफ़्ता पहले की हैं, अभी मैं हम लोग बाहर से कुछ भी नहीं खा रहे। तो मैंने अपने बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए लिया, और मान को भी इतना लेने के बाद पसंद आया कि वो मेरा और मेरे बच्चों का अंदर से खा ही जा रहे थे। मैंने कहा चले ज़्यादा है और बच्चों को इतना ज़्यादा मैंने नहीं देना, अब हम तीनों का थोड़ा आधा आधा आप ही खा। और मैं वीडियो बनाने के चक्करों में उनके हाथ से ले लेके सामने रख रही हूँ, इतने प्यारे लग रहे हैं आप देख सकते हैं, उनके कलरफुल इतने प्यारे लग रहे थे ना, और ये असल में और भी ज़्यादा इतने अट्रैक्टिव और इतने कूल लग रहे थे ना। और बचपन की यादें एकदम ताज़ा हो गई कि हम, मुझे अपने बचपन में क्या याद आता कि गली में आता था तो ज़रूर हम गोला बर्फ़ जो है वो स्टिक वाला भी खाते थे। स्टिक वाला मैंने खुद नहीं लिया, घर जाते जाते इन्होंने वैसे ही, उन्होंने पिघल जाना था, इवन कि ये तीनों भी बिल्कुल मेल्ट हो गए थे। तो हम लोग घर में आए तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, सिनान इतना ज़्यादा खुश हुआ कहता मामा मैं यही तो आपको कहता था, मैंने यही तो खाना था। मैंने कहा बेटा मैं ले आई हूँ आपके लिए। तो नेक्स्ट क्लिप जो है मेरा, जो सिनान ही है छोटू, वो खेल रहा है बैट बॉल, और जब वो बैट बॉल खेलता है तो वो कभी किसी को बैट नहीं देता, और उसका दिल होता है बस मैं ही बारियां लूँ, अपने चाचू के साथ खेल रहा है। ये जो मेरे ब्रदर इन ला है, इसको बड़ा शौक था कि मेरे ब्लॉग में आने का, और मैंने अभी इसको नहीं बताया कि मैं तुम्हारी क्लिप डाल रही हूँ अपने ब्लॉग में। मैंने कहा चलो इसका शौक तो पूरा करूँ, इसको ब्लॉग में लेकर आऊँ। तो छोटू यहाँ पे ज़रा चक्के छक्के मार रहा है और वो किसी को भी बैट नहीं देता, और इवन के माशाल्लाह उसको काफ़ी अच्छा खेलना आता है, बस उसको बोले ज़रा नीचे नीचे करानी पड़ती है। देखा सिनान कितना अच्छा खेलता है नीनी चाचू। ना नीचे नीचे करा, मैं किसी का नहीं देख रही, शुक्र है। मैं इसे नहीं देख रही, टेंशन होने लग पड़ती है, रहने दो। एक एक जगह पे तीनों खड़े हो ना, छोटे जो होते हैं, जितने छोटे होते हैं उतने सारों से ऊपर होते हैं, उनका दिल होता है बस हर चीज़ पे हम हावी रहें। वो बड़े भाई को भी कोई चीज़, कोई खिलौना कुछ भी ना लेने देता है, और इवन के उसकी चीज़ों पे भी बाहर से बाबा के साथ चीज़ें लाता है, और घर आकर मुकर जाता है, कहेगा ये क्यों नहीं खुद गया, अपनी चीज़ें खुद क्यों नहीं लाया, आराम से कर, खुद ही भागी जाएगा। चला अच्छा 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 अच्छा। तो खैर इसके बाद जब रात में नुमान घर आए थे तो मैंने सुबह आपको बताया था ना इनको अपने बालों को नहीं कटवा रहे, तो मैंने कहा इधर बैठे ना जरा मैं आपके फोन ही कर दूँ। बाबा किस्से से बहुत अच्छी लग रही है, बार आप अपने बाल दिखाओ, मनी किस्से से बहुत अच्छी लग रही है यार। बाबा की तो मेरे, बाबा के बाल तो मेरे से भी लंबे हैं। देखा तेरी भी एक खजूर कतरा, तेरा आपको भी बन जाएगा, दिखा दे खजूर कतरा ताको बना, मन अब ना नहीं करना। गाइस गाइस कमेंट करके बताएं पोनी अच्छी लग रही है या नहीं, बड़ी पीछे पूरा अब ठीक यार, बांध तो, बांध को तो नीचे उतारे यार, ये अच्छा वो बैठ में नहीं, इधर उधर मान दे बाबा, आपको पता इधर।
नहीं नहीं ओवन की तरफ। ओके जनाब, तो इन छुट्टियों की वजह से जो बच्चों को स्कूल से हुई हुई हैं, मेरे बच्चे सोते ही नहीं है, रोज़ 2-2:30 बजे बाबा का वेट करते हैं आने का, और डेली मैसेज कर देते हैं बाबा आज हमने ये खाना है वो खाना है, तो डेली पार्टियां चल रही हैं हमारी तो आजकल। तो अभी तो ये सॉरी ये पुराना क्लिप है, अभी तो मेरी मामा बहन ने मुझे काफ़ी गुस्सा किया, खबरदार बच्चों को बाहर से कोई चीज़ खिलाई, तो अभी मैं बिल्कुल भी, अब हमने कट ऑफ कर दिया है, इवन कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग शेयर करूँगी, बच्चे तो नानों के साथ जा चुके हैं उनके घर ही, तो अब हम बाहर से कुछ नहीं मंगवा रहे क्योंकि अब तो मिल ही नहीं रहा। तो ये थोड़ा 1-1.5 हफ्ता आई थिंक पुराना क्लिप है, मैं बीच में मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो बड़े दिनों बाद आपके साथ व्लॉग शेयर किया है। तो पार्टियां वैसे हमने काफ़ी मना ली रात का टाइम, पता नहीं स्कूल कब ओपन होंगे तो मैं इन्हें टाइम से चलाना स्टार्ट करूँगी। तो अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा, मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स कोशिश करूँगी, और सबसे ज़्यादा आप लोगों ने दुआ करनी है कि मेरी तबीयत जो है फिट फाट रहे, मैं ठीक रहूँ। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।